उत्तर भारत के अज एन आई ए की वड्डी रेड हुई है तो जिदे विच एक वड्डी रेड अमृतसर विखे भी हुई है जिथे एक वड्डी फाइनेंस कंपनी नूं इस बार एन आई ए वल्लों निशाना बनाया गया है। तो इस विच तुसीं वेख सकदे हो कि एन आई ए दे वड्डे अधिकारी जिहड़े ने इस गड्डी 'च मौजूद ने तो उन्हां वल्लों इस पूरी रेड नूं जिहड़ा है अंजाम दिता गया है। तो तुहानूं दस्सना चाहांगे तकरीबन सवेरे 4 बजे के करीब इत्थे एक रेड शुरू होंदी है जो कि एक वड्डी फाइनेंस कंपनी जिहड़ी दसी जा रही है उस फाइनेंस कंपनी दे उत्ते रेड की जाती है। तो तुसीं देखो कि पुलिस की पूरी गड्डी जिहड़ी है इस गड्डी दे विच पुलिस भी आती है और एन आई ए पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन दे विच इत्थे जिहड़ी है इस रेड नूं अंजाम दिता गया है। तो तुहानूं दस्सना चाहांगे असीं अमृतसर के वाइट एवन्यू इलाके च खड़े हाँ तो यह इलाका एक बहुत ही पॉश इलाका मनिया जाता है जिस दे विच जिहड़ी है कोठी एक है जिहदे विच 3120 कोठी जिहड़ी है उत्थे एक वड्डी जिहड़ी है अज एन आई ए की रेड हुई है। तुहानूं दस्सना चाहांगे पूरे उत्तर भारत के तकरीबन 150 जगह ने और खास करके अगर पंजाब की गल करिए 120 जगह ऐसा ने जिथे कि रेड की गई है जिदे विच कि अमृतसर जलंधर फरीदकोट और मोगा इस तो इलावा इन्हां कुछ होर जिहड़े शहरां दे विच भी रेड नूं अज कीता गया है। अमृतसर के बहुत सारी जगह पर रेड हुई है लेकिन सब तो जिहड़ी अहम जिहड़ी मनी जा रही है वह इस वेले अमृतसर की वाइट एवन्यू इलाका मनिया जा रहा है जिथे कि एक फाइनेंस कंपनी के मालक का घर है उसके घर के तकरीबन 4 बजे करीब पुलिस और एन आई ए की टीम आदियां ने तो लगातार उन्होंने वालों पूरा रिकॉर्ड खंगालिया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि विदेशों तो जरा कुछ पैसा आया है उसका रिकॉर्ड इन्होंने को नहीं है और वो पैसा जरा है देश की जी है जिस तरह की टैरर फंडिंग की गल होंगी उस भी उसका इस्तेमाल किया गया है। तो उस जरा है अज सवेरे एन आई ए की टीम दबिश देती है तो उस तो बाद जरा है इस घर के अंदर जी है एक वड्डी रेड को अंजाम दिता गया। तो तस्वीर तुम इस कोठी सांझियां कर रहे हैं दसना चाहवागे कि टैरर फंडिंग लैके पूरे देश के इस वेले बवाल मचा है तो उस जरा है एक वड्डा ऑपरेशन जरा है अज एन आई ए पंजाब पुलिस वालों चलाया गया। तो तुम देख सकते हो कि घर के किस तरीके इतने घर के मैंबर गलबात की जा रही है पुलिस के अधिकारी मौजूद ने और घर की एक एक चीज़ इस वेले खंगाली जा रही है। तो एन आई ए की एक वड्डी रेड अज पंजाब पुलिस के नाल मिलकर की जा रही है। तो उस जरा है एक वड्डी फाइनेंस कंपनी जी है अमृतसर की उत्थे तस्वीर तुम देखो कि सब तो वही गल है कि जिस तरीके की रेड की गई है इस किसी व्यक्ति को भी अंदर आन जाने की इजाजत नहीं दी गई। तकरीबन 4 बजे के करीब जरा है इस ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो वह ऑपरेशन जरा है लगातार इस वेले चलता होया नज़र आ रहा है। तो इस वेले तुम दसना चाहवागे कि वाइट एवन्यू की अमृतसर के पौश इलाका वाइट एवन्यू की 3120 कोठी जी है इस वेले एन आई ए की गिरफ्त है। तो एन आई ए के अधिकारी भी इतने पहुँचे सन तो इतने जरा है एक रेड जी है की गई है। एन आई ए के अधिकारी जे इतों पूछताछ कर रहे हैं सब तो वही गल है कि पुलिस के जे अधिकारी ने वो भी नाल मिले हुए हैं क्योंकि जरा इस तरीके की पिछले कई समय तो गल् सामने आ रही सी कि फंडिंग जी है वो एक सब तो वही समस्या बन के आ रही क्योंकि यह पैसा जरा है विदेशों तो व्डे जे लोग मंगवाते हैं तो वह पैसा मंगवा के जरा है गलत कामों यूज़ होंगे है। तो उस जरा है एक प्रॉपर एक मैपिंग की गई पूरे अमृतसर की नहीं बल्कि पूरे पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की मैपिंग की गई कि इन्हां दे कनैक्शन किस तरह जुड़ते हैं। तो उस तो बाद बकायदा तौर पर टीम जिहड़ियां बनाई गई एन आई ए की टीम्स बनाई गई उस जरा है पंजाब हर जिले की पुलिस को जरा है नाल इनवॉल्व किया गया लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी गई। तो तड़कसार सवेरे 4 बजे के करीब जरा है अचानक जरा है एक हल्ला बोल जरा है इतने किया जाता है। तो इस कोठी दे विच वो जरा है सवेरे इस रेड नू स्टार्ट की गई तकरीबन समा तकरीबन 12 तो वध चुका है तकरीबन 8 घंटे के करीब जी है इतने इस रेड चली है जिस दे विच कि कई दस्तावेज उन्होंने मिले ने इस तो अलावा जे उन्होंने लैपटॉप से इतों तक कि मोबाइल डाटा भी जरा है वह भी खंगालिया गया है। इस तो अलावा जरा पैसा आया आखिरकार वो क्यों आया किस पासे यूज़ होना सी इस तरह दियाँ सारिया चीज़ा कीतिया जा रही ने वो सारिया चीज़ा खंगालन का काम किया जा रहा है। और सब तो वड्डी गल है कि इस दे विच जिहड़ी है कई शहरां च इस तरह की सूचना आ रही है कि उसके कई लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया लेकिन फिलहाल इस मामले कोई गिरफ़्तारी हुई है या नहीं इस बारे हाले जानकारी नहीं है लेकिन रेड जिहड़ी है लगातार चल रही है और एन आई ए के अधिकारी कई एक दो अधिकारी तो पूछगिछ करके वापस भी जा चुके हैं लेकिन फिलहाल कुछ जिहड़े अधिकारी हाले भी इस घर के अंदर ने तो पूरे इलाके की तस्वीर भी तुम दिखा रहे हैं। वाइट एवन्यू इलाका जो कि अमृतसर के लारेंस रोड के नज़दीक पैंदा है तो पुलिस लाइन के बिल्कुल नेड़े यह इलाका पैंदा है और उत्थे जिहड़ा है अज एन आई ए वल्लों सवेरे दबिश दी गई और उस दबिश दे विच जिहड़ी है एक वड्डी कार्रवाई जिहड़ी है उसनों अज अंजाम दिता गया है। तुसीं देखो कि
पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर की स्पैशल जी है इतने बस भी लगाई गई है। तो ये बस अक्सर उस जगह के उत्ते लगाई जाती है। इस बस के अक्सर 20 तो वध पुलिस मुलाजम सन जिहड़े कि इस ड्यूटी पर आए और उन्होंने भी इस वेले घर के अंदर ने। तो इस बस के भी कोई इस वेले मुलाजम नहीं खड़ा है। तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हो सकता है इस मामले गिरफ्तारी भी की जाए। लेकिन अज जिस तरीके NIA वालों पूरे उत्तर भारत के जी है दबिश दी गई, उस एक वड्डा जरा है अज एक रेड जी है वो इत्थे की गई है। तो यह पुलिस की गड्डी तुम दिखा रहे हैं, पूरा इलाका तुम दिखाने, एक पालीशान इलाका है, रिहायशी इलाका है। तो अमृतसर का वाइट एवन्यू जो कि बिल्कुल पुलिस लाइन के नेड़े है, तो उत्थे जरा है अज NIA वालों अज सवेर तो ही अपना इत्थे दबिश दी गई। तो उन्होंने वालों जरा है बहुत सारा रिकॉर्ड दसया जा रहा है, बहुत सारा रिकॉर्ड जरा उन्होंने वालों जरा है तफ्तीश शामिल किया गया है। लेकिन दसना चाहवागे इन्हों जे जिस फाइनैंस कंपनी है जो बहुत सारे अपने अमृतसर ब्रांचिज भी ने और सब तो वड्डी गल कुछ होटल्स भी ने। तो फिलहाल उन्होंने होटल्स की भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार पैसा कितों आया। इस तो अलावा जे फंड्स जे दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो भी कोई पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो आधार कार्ड लगते हैं, तो आधार कार्ड कि लोगों के ने उन्होंने भी तफ्तीश की जा रही है। किस बिना उत्ते पैसा आया है उस पैसे की भी पूछताछ की जा रही है। तो तकरीबन एक गल करिए पूरा एक वड्डा मैप तैयार करके जरा है इतने अमृतसर अज जरा है NIA की रेड है। लेकिन फिलहाल इस निष्कर्ष के निकलते हैं, अधिकारी कुछ भी बोलने तैयार नहीं है। तो कुछ समय बाद पंजाब के DGP लॉ एंड ऑर्डर जे ने इस मामले DGP लॉ एंड ऑर्डर जे ने इस मामले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हो सकता वो खुलासा किया जाए। लेकिन वड्डी रेड अज NIA पंजाब पुलिस की पूरे पंजाब उत्तर भारत के अज देखने मिली है। हम देखना होगा कि तत् सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरामैन मोहित सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।